हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पार्क। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर वुमेन्स इन रेलवे एनटीपीसी 2019। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वुमेन्स के लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंसेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्कशिप ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू सैलरी, अकॉर्डिंग टू वर्क प्रेशर एंड करियर प्रमोशन। इसके पहले मैंने एक रेलवे एनटीपीसी की जितनी भी जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सारे उसकी वर्क डिस्क्रिप्शन के साथ साथ करियर पाथ क्या है ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, जिसका मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूँगा कि वुमेन्स के लिए कौन सी जॉब अच्छी है अकॉर्डिंग टू वर्क शिफ्ट, उसमें जिसमें डे शिफ्ट हो, वर्क ऑफिस नेचर का हो, जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, जिसमें वर्क प्रेशर भी थोड़ा कम हो और कैरियर प्रमोशन भी अच्छी हो। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वुमेंस के ओरिएंटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह के रेलवे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, आपको मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये टोटल 13 टाइप के पोस्ट हैं, जिसको आपने भी देखा होगा। 5 जो है 12th क्लास बेस पे है और 8 जो है ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। अब मैं इसमें बात करूँ कि सबसे पहले जो सबसे अच्छा कौन सा पोस्ट है फॉर वुमेन्स, तो ये है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें क्या होता है कि एक तो ये इसकी जो पे स्केल है लेवल 5 के अंडर में आता है, जिसमें सैलरी अच्छी होगी आपकी, और इसमें जो काम है इसमें खास काम नहीं है, काम यही है कि इसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं रेलवे को उसका जो है टेक केयर करना, और इसमें रिकॉर्ड जो होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक्सपेंडिचर के, या कोई भी क्लेम या जो भी आ रहा है उसका निस्तारण करना, और अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स बनानी है उसको, और साथ ही साथ जो रेलवे में बहुत सारे जो बजट्स बनाने रहते हैं उसके लिए इसमें काम करने होते हैं, और जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आती रहती हैं उनको चेक करना होता है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा वर्क है वुमेन्स के लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, और एक ऑफिस नेचर भी जॉब होता है। और इसके साथ अगर मैं इसमें कैरियर बात की बताऊं तो इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख सकती हैं आप लोग यहाँ पर टोटल जो है 7 डेजिग्नेशन है, अकाउंट असिस्टेंट का है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, और ऐसे करके जो लास्ट में चीफ अकाउंट ऑफिसर या फाइनेंशियल एडवाइजर। तो टॉप पे मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पोस्ट देनी चाहिए, क्योंकि इसमें डेजिग्नेशन भी अच्छा है, पे स्केल भी अच्छा है, और ये ऑफिस नेचर की जॉब है जो डे शिफ्ट होगा इसमें, और डे शिफ्ट के हिसाब से वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट है। जो सेकेंड बेस्ट है उसको मैं अब डिस्कस करता हूँ, ये है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो जॉब प्रोफाइल होती है इसमें कोई जो स्पेसिफिक कैडर नहीं है कि आपको कोई रैंक मिलेगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो या कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हो, उन्हीं के अंडर में आपको काम करना होता है, और ये जो जॉब होता है मेनली ऑफिस इन नेचर का होता है, और इसमें जो शिफ्ट है ये डे शिफ्ट है, हॉलीडे ऑन सैटरडे एंड संडे है। और इसकी मैं पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 5 में आता है इसका पे स्केल, तो इसका मतलब इसमें भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा जो सेकंड बेस्ट। और इसके बाद मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड में क्या देनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंसेस वुमेन्स के लिए, तो उसको मैं चलिए डिस्कस करता हूँ। उसके पहले मैं इसमें कैरियर पाथ की भी बात बता दूं कि इसमें जो कैरियर पाथ ये है कि जो सीनियर क्लर्क जब आए, सीनियर क्लर्क से आप चीफ ट्रेन क्लर्क बन सकती हैं, और चीफ ट्रेन क्लर्क से इसमें जो अगला जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है। तो इसमें थोड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी ये कह सकता हूँ कि सैलरी तो आगे अच्छी बढ़ती जाएगी, बट क्या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जब आगे फ्यूचर में आप बनेंगी तो क्या है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो जॉब है ये थोड़ा रोटेशनल शिफ्ट में हो जाता है, तो और थोड़ा स्ट्रेस वाली भी जॉब है, इसमें वर्क प्रेशर भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थोड़ा इसमें मैं कह सकता हूँ कि जॉब तो स्टार्टिंग में इनिशियली सही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम भी देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी इस जॉब में। तो ये जो है सेकेंड जॉब। चलिए अगला जो थर्ड है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जो तीसरा पोस्ट है ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क।
ये भी लेवल 5 में आता है और इसकी जो पोस्टिंग होती है ये मेनली जो बुकिंग ऑफिस होते हैं, जो बुकिंग काउंटर होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या किसी भी गुड्स शेड्स पे, तो वहाँ पर जो इसमें दो तरह के होते हैं, जो अगर टिकट बुकिंग करते हैं तो उसे बुकिंग क्लर्क कहते हैं, या फिर गुड्स शेड्स में होते हैं उन्हें गुड्स क्लर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसेंजर की जो कोई भी इश्यूज होते हैं, चाहे पेपर टिकट हो या कंप्यूटराइज ऑनलाइन जो टिकट होती है, उससे भी रिलेटेड चीज़ों को उसे सोल्यूशन उन्हें देना रहता है। और इसे देने के बाद जो है इनका जो काम होता है, जो पैसेंजर से रिलेटेड चाहे चार्ट प्रिपेयर करना या एडिशनल कोई भी वर्क हो तो ये भी काम करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ये भी एक ऑफिस नेचर जॉब की है। नाइट में भी शिफ्टिंग लगती है कई लोगों की, लेकिन इसमें वुमेन्स को एक रिलैक्सेशन दिया जाता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट शिफ्ट नहीं होती, नहीं इनकी डे शिफ्ट ही लगती है। और जो इसमें कैरियर पाथ की मैं बात करूं तो कैरियर पाथ है, सबसे पहले इसमें आप कमर्शियल क्लर्क बन सकती हैं, उसके बाद सीनियर कमर्शियल क्लर्क, उसके बाद ट्रिपल सी जिसे हम चीफ कमर्शियल क्लर्क कहते हैं, उसके बाद डिप्टी स्टेशन मैनेजर बन सकती हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो चौथा पोस्ट प्रेफरेंस की मैं बात करूँ तो क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा जो अभी मैंने बताया था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो था, तो वो उसमें आप लोग सीनियर वाले को थर्ड नंबर पे दीजिएगा। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है उसमें कमर्शियल क्लर्क जो था उसमें टिकट क्लर्क उसको दीजिएगा, उसको चौथे नंबर पे, क्योंकि वो जो जूनियर लेवल का है। उसके बाद जो मैं पाँचवें नंबर पे मैं बात करूँ तो ये है जो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसकी भी जो जॉब प्रोफाइल है क्या है कि जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट्स होता है उसके अंडर में ही काम करना होता है। इसमें भी जो रेलवेज के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसको कुछ प्रिस्क्राइब जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करना रहता है। ये जो जिसकी भी जो जॉब है ये डे शिफ्ट जॉब है और इसमें उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। और इसमें जो मैं काम बताऊँ तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी जो टोटल 7 है जूनियर असिस्टेंट जूनियर सॉरी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के पास जो है जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन सकती हैं आप, सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन सकती हैं, डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद जो लास्ट में आप जाते जाते चीफ अकाउंट ऑफिसर तक जा सकती हैं। तो इसमें आप देख सकती हैं कि काफ़ी अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है एक तरह से मैं देखा जाए तो। इसके बाद जो आप अगला जो पोस्ट प्रेफरेंसेस आप चूज करना चाहती हैं तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दे सकती हैं। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेम चीज़ें हैं, बस इसमें जो डेजिग्नेशन है वहाँ पर सीनियर था, यहाँ पर आपका जूनियर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वर्क सेम है। वर्क इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें सीनियर जो है आपके आपके ऊपर रहते हैं और इसमें आप जूनियर थोड़ा जो है कम है। और इसकी जो पे स्केल भी है ये लेवल 2 में ही आता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद की जो आप पोस्ट प्रेफरेंसेस देना चाहें तो आप क्रेन कलर को दे सकती हैं। क्रेन कलर के बाद अब आप स्टेशन मास्टर को दे सकती हैं। उसके बाद बचे हुए जो ट्रैफिक असिस्टेंट होगा उसको आप दे सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अब इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन जो था आपको मिल गया होगा कि वुमेन्स के लिए कौन सी पोस्टें दी जाएँ और कौन सी ना दी जाएँ सबसे पहले। तो अगर वैसे भी अगर आपको और भी सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो मैंने एक वीडियो जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा वहाँ पर वीडियो में कुछ इस प्रकार का जिसका थंबनेल है मैंने उसे अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट कीजिए। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।